हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ पालक का रायता बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए हमने पालक का रायता बनाया है। गर्मियों में लोग रायता खाना बहुत ही पसंद करते हैं। रायता फायदा भी बहुत करता है। पालक के रायता में हमें पालक से आयरन और दही से कैल्शियम प्राप्त होता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस स्वादिष्ट पालक के रायता को बना के तैयार करते हैं। पालक के रायता के लिए सबसे पहले हम पालक को लेंगे और पालक के इस बड़े डंठल को हम तोड़ देंगे। हमने इसी प्रकार सारे पालक के डंठल को तोड़ लिया है और इसे हमने अच्छे से 3-4 पानी धुल लिया है। और अब हम इसके पानी को छान करके इसको महीन कट कर लेंगे। हमने पालक को इस प्रकार महीन कट कर लिया है। पालक को हमने महीन कट कर लिया है और इधर ये हमने थोड़ा सा धनिया कट किया है, ये 2-3 हरा मिर्च इस प्रकार से कट कर लिया है, और तड़के के लिए ये 2 मिर्च इस प्रकार कट किया है। आप चाहे तो सूखा लाल मिर्च भी तड़के में डाल सकते हैं। 1 पिंच हींग, 1/2 स्पून साबुत जीरा दाना, ये हमने दही लिया है, इसे हमने अच्छे से चला करके इस प्रकार कर लिया है एक बराबर। और ये रायते में डालने के लिए साबुत जीरा को हमने भून करके पीस करके ले लिया है लगभग 1 चम्मच, और ये साबुत लाल मिर्च को भून करके पीस करके हमने इस प्रकार लिया है, ये ऑप्शनल है। 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे काली मिर्च भी कहते हैं, 1/2 स्पून काला नमक और ये 1 स्पून सादा नमक। फ्रेंड्स, अब हम इस रायते को बनाते हैं। फर्स्ट हम गैस ऑन करके उस पे कढ़ाई को रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग 2 चम्मच। तेल गर्म होने पर उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 1/2 पिंच हींग डालेंगे। जीरा डार्क ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम कट किए हुए हरे मिर्च को डालेंगे। हरा मिर्च डालने के बाद अब इसमें हम कट किए हुए पालक को डालेंगे। हमने सारे पालक को कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे कवर करके 2-3 मिनट तक गलने देंगे। 2-3 मिनट हो गया है, अब इसे हम चलाएंगे। ये पालक बहुत ही जल्दी गल जाता है, लेकिन इसमें हम नमक डाल के इसे और अच्छे से गला लेंगे। नमक डाल के गलाने से पालक का कच्चापन खत्म हो जाता है। अब इसे हम कवर करके बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो 3 मिनट हो गया है, अब इसमें हम कट किए हुए धनिया की पत्ती को डालेंगे। और थोड़े से धनिया की पत्ती को हम ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रख देंगे। कुछ लोग पालक को अधकचा ही डाल करके उसका रायता बनाते हैं, लेकिन जब पालक पूरा पक जाता है तो उसका रायता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हम इस पालक को 5-6 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है और पालक सारे पानी को सोख लिया है। अब हम इस पालक को किसी बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम ठंडा करके दही में मिलाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसे मिक्सर में ग्राइंड करके रायता बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे। जब तक पालक ठंडा हो रहा है, तब तक हम दही को तैयार करेंगे। फर्स्ट हम दही में सादा नमक 1/2 स्पून डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम अधिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद 1/2 स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
और ये ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून काला नमक डालेंगे। इन सबको डाल के अच्छे से चलाएंगे। किसी भी चीज का रायता बनाते हैं तो हम दही को इसी प्रकार तैयार करते हैं। इससे रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये पालक ठंडा हो गया है, अब हम इसे दही में डालेंगे। इसे डाल के हम अच्छे से चलाएंगे। पालक और दही को मिलाने के बाद इसके ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्का सा काला नमक इसके ऊपर गिराएंगे और हल्का सा ये ब्लैक पेपर भी। फ्रेंड्स, हमारा ये पालक का रायता बनके तैयार है, लेकिन इसे हम और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए पहले हम साबुत जीरा लेंगे और हींग लेंगे, 1 स्पून सरसों का तेल डालेंगे और ये जीरा ब्राउन होने के बाद इसमें हम हरा मिर्च डाल के तड़का तैयार करेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे रायते के ऊपर गिराएंगे और इसे धनिया की पत्ती से थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा ये पालक का टेस्टी रायता बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये रायता टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पालक का रायता बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।